तो चेकिंग द जम्पशन फॉर द मल्टीपल लीनियर एग्रेशन हमने तीन चार जम्पन मस्ट चेक करनी है लेनियरिटी की ऑटो uh, कोरो की मल्टी की होम उसके डास्टिसिटी की और नॉर्मेलिटी की सो लेट्स चेक वन बाई वन फर्स्ट वन इज़ मल्टी कोलिनियारिटी का मतलब है कि जो आपके प्रोडिक्टर्स हैं जो कि एक से ज़्यादा हैं क्या वो आपस में हाईली कोरलेटेड तो नहीं है तो उसके लिए हम सिम्पल जाके कोरेशन का टेबल देख लेते हैं और उस कोरेशन के टेबल में हमें पता चल जाता है कि वो पॉइंट एट से ऊपर कहीं रिलेशनशिप तो नहीं है सो हमारे पास दो प्रोडिक्टर्स हैं एक हमारे पास टोटल मैस्ट्री है और एक हमारे पास टोटल परसीव्ड कंट्रोल है तो आप देख सकते हैं कि आपका टोटल मैस्ट्री का टोटल परसीव के साथ पॉइंट फाइव टू रिलेशनशिप है विच इज़ नॉट दैट बैड विच इज़ गुड हमने कहा है कि जब भी पॉइंट एट से ऊपर कोरिलेशन आए तो फिर हम कहते हैं कि वो मल्टीपलरिटी का इशू हो सकता है सो so, इसके अंदर हमें कोई मल्टी का इशू नहीं नज़र आ रहा क्योंकि आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनके अंदर ऑफकोर्स आपका 0.527 या 0.581 वो तो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ है आपने सिर्फ आईवी का आईवी के साथ ही रिलेशनशिप देखना है अच्छा मल्टी कोलिनारिटी के अंदर हमने कहा था कि हम उसको टॉलरेंस और वी यानी वेरियंस इनफ्लेटि फैक्टर्स से भी हम चेक कर सकते हैं सो so, दोनों रिसिप्रिकल हैं सो यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन वन आई वुड से टॉलरेंस की वैल्यू ऑफ सिंपल देख लें तो आपके पास उन्होंने टॉलरेंस की वैल्यू फॉर ईच प्रोडक्टर दी हुई है तो आप अगर देखें तो हमने कहा था कि टॉलरेंस की वैल्यू इफ़ द वैल्यू इज स्मॉलर या लेस देन पॉइंट वन इट इंडिकेट्स दैट द मल्टीपल विद अदर वेरिएबल्स इज़ हाई लेकिन हमारी कोई भी कोरिलेशन पॉइंट वन से स्मॉलर नहीं है बल्कि ऑल आर ग्रेटर देन दैट सो नाइन है पॉइंट सेवन है और फिर पॉइंट सेवन है सो वी डोंट हैव एनी मल्टीकुलरिटी इशू यू कैन सी द वी आई एफ वैल्यू ऑल्सो और हमने कहा था कि अगर वी आई एफ वैल्यू हमारी टेन से हो तो फिर प्रॉब्लम है तो हमारी सारी वैल्यूज वेल विद इन रेंज है सो वी डोंट हैव एनी इशू ऑफ मल्टीकुलरिटी हेयर इन दिस डेटा सो वी आई एफ वैल्यू अगेन ये मैंने बता दिया है कि हमारी वो अगर टेन से बड़ी हो तो फिर हमारा कंसर्न होता है लेकिन यहाँ पर हमारी तीनों वैल्यूज पर थ्री प्रोडिक्टर्स हमारी टेन से नीचे हैं तो सो मल्टीपोलिनिटी का कोई इशू नहीं है अच्छा फिर हमारे डिस्क्रिप्टिव के बाद जो टेबल था वो मेन मॉडल समरी का टेबल है ये हमारा उसने मॉडल बनाया है और मॉडल कैसे बनाता है वो कि तीनों प्रोडिक्टर्स रख के उसने बताया है कि आपके तीनों प्रोडिक्टर्स नंबर वन जेंडर नंबर टू आपका मैस्टरी कंट्रोल नंबर थ्री परसीव्ड कंट्रोल आपका जो है वो तीनों मिलके के पॉइंट फोर सेवन आपके आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है सो so, आपकी कोरिलेशन इन तीनों की पॉइंट सिक्स एट फाइव और आपका पॉइंट फोर सेवन यानी फोर्टी सेवन परसेंट वेरियंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ परसीव्ड स्ट्रेस इज एक्सप्लेन बाई दिस लेकिन इसके अलावा इसके अंदर हमारी डर्बन वाट्सन की जो वैल्यू है मेनली चूँकि हम एजम्पन्स की बात कर रहे हैं कि हमारी एजम्पशन मीट हो रही हैं कि नहीं तो डर्बन वाटसन हमारी आउटर को को चेक करती है और डर्बन वाट्सन में हमने बात की हुई है कि वो टू के अराउंड हो वैल्यू यानी अगर वन से स्मॉलर या थ्री से ग्रेटर हो तो इसका मतलब ऑटो कोरलेशन का प्रॉब्लम है लेकिन हमारा ये सेटिस्फाइड है टू के अराउंड है विच इज़ वेरी क्लोज टू आइडियल सो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ द ऑटो कोरलेशन है सो वी चेक द जम्पशन ऑफ ऑटो कोरलेन वी चेक द जम्प्शन ऑफ मल्टी कोलिनियारिटी वी चेक द जम्पशन अब हम करेंगे नॉर्मेलिटी की सो नॉर्मेलिटी के जम्प्शन के लिए हमारा पी पी प्लॉट होता है और मैंने कहा है कि आपके सारे जो डॉट्स हैं यानी डेटा पॉइंट्स शुड बी हगिंग दिस लाइन सो आपका बिल्कुल एग्जैक्टली exactly उस लाइन के ऊपर सारे डॉट्स आ रहे हैं सो वी मीट द एजम्पन और वी फुलफिल द एजम्पन ऑफ द नॉर्मेलिटी एज वेल उसके बाद हमारी होमोस के डास्टिसिटी की एजम्प्शन है और होमोस के डास्टिसिटी हमें ये बताती है कि स्कैटर प्लॉट जो है रिजिजल्स का वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए और उसके ज़्यादा पॉइंट सेंटर में हों एंडट शुड नॉट फॉर्म एनी शेप और लाइन सो मोस्टली स्कोर शुड बी सेंटर्ड और इट शुड भी लाइक अ रेक्टेंगुलर का पैटर्न ऑफ रिजिजुअल इन द स्कैट प्लॉट दफ होमस्डास्टिसिटी एंड लिनियारिटी आर सेटिसफाइड सो लिनियारिटी का मतलब है कि अगर हमारे ये एरर टर्म यानी हमारे रिजिजुअल का ग्राफ किसी एक टिल हो या लीनियर हो या किसी एक पॉइंट पे ज्यादा हो तो इसका मतलब कि हमारी होमोस के डास्टिसिटी की एजम्प्शन नहीं मिल रही बल्कि वो हैिटी है सो हियर वी सी दैट द स्कोर ऑफ द रजिजुअल प्लॉट आर स्कैट और कंसनट्रेट मोस्टली इन देंटर इसलिए हमारी होमोस्टिसिटी की जो एक्जशन है और लिनियारिटी की देसफाइड एंड वी मीट था